अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी चाय के साथ। चाय बन रही है मेरी और उजाला बाजी की, ये चाय के साथ ही आज हम अपना व्लॉग बनाएंगे। और ये वही व्लॉग है, अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा हो तो आज ही के दिन मैंने उसको यहीं पे ड्रॉप आउट किया था, तो मैंने सोचा कि वहीं से स्टार्ट किया जाए। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि उजाला बाजी जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं और आज हम उनको ड्रॉप करने जाएंगे, तो घर में थोड़ा सा माहौल सैड है या कुछ ऐसा है। शी इज़ गेटिंग सो सैड दैट शी हैव टू गो and she's missing us already, so I thought let's vlog it. तुम तो रूबन के साथ याद होती हो। उजाला जा रही है उम्र पे। एयरपोर्ट तो पहुंच गए हम, रश अच्छा खासा है, हमें पार्किंग नहीं मिली तो जो हर नीचे क्या गाड़ी लगाने, पुलिस वाले हर जगह खड़े नहीं होने दे रहे। चाला बाजी की फैमिली पहुंच गई है, वो वेट कर रही है हमारा। लेट्स सी। चाला बाजी कैसा लग रहा आपको? है आपको वेरी वियर्ड विदाउट जौहर। एयरपोर्ट का मैंडेटरी रश एज यूजुअल। जो भी स्माइल स्माइल। ये पहली दफा एयरपोर्ट आई है, कैसा लग रहा है एयरपोर्ट? अच्छा है, मॉल है कोई? जोहर आ जाओ, जो भी आ जा। थैंक यू। तू भी आ जा जल्दी, आजा जल्दी भाभी के साथ। चलो चलो भाभी। जाला बाजी अब हम सुदास तो नहीं होंगी? रोएंगी तो नहीं? जितना घर में रो के आई उससे कम रोएंगी ना? जो भी को तो देखे एक दफा, जो को नसीहतें वसीहतें करो। ये दोनों एक दूसरे से बहुत उदास होंगे, मुझे सब पता है। जल्दी आएगी ना? तो जी जाला बाजी की फैमिली भी आ गई। हेलो हाफिज आंटी, कुछ फिक्र ना करो, मैं सब जा रही कि नहीं कोई आ गया। मामा जी गाइस, हम उजाला बाजी को छोड़ के आए हैं। मैं आके गाड़ी ढूंढ रही हूँ, गाड़ी गाड़ी आई नहीं, गाड़ी आई नहीं। गाड़ी पहले वहां खड़ी थी और फिर गाड़ी लिफ्ट करके यहाँ आ गई और मुझे फाइन हो गया। यार ये क्या है यार, क्या लोग हैं ये, क्या मतलब पाकिस्तान। फाइन भी 500 रुपए, क्या करेंगे 500 रुपए। ये पेंडू लोग पहली दफा एयरपोर्ट आए हैं। हाँ भाई, मामा मुझसे सवाल क्या पूछ रही है? इसे लगा कि वो है जैसे ट्रेन होती है, करिए जहाज कहाँ आएगा? भाभी को, भाभी को कहाँ बिठाएंगे? नहीं सर, कह रही है ट्रेन के जैसे, इसको ट्रेन, इसको ट्रेन लग रही है। बना हुआ ना
वैसे उधर बनाओ रंदे बन, लेकिन नीचे से जाएगा, नीचे से ही जाएगा, ऊपर से जाएगा यार। उन्हें नहीं है पेंडू लोग। सो गाइस हम जालावा जी को ड्रॉप करके घर आ गए एंड अभी सहरी का टाइम हो रहा है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टेक यू गाइस अलोंग विद अस, क्योंकि मैंने आज तक कभी सहरी का व्लॉग नहीं बनाया, इफ्तारी का तो बन गया, तो सहरी भी कर ही लेते हैं। तो जी मम्मा ने बनाया था चिकन का कीमा और अभी हम पराठे बनाएंगे और मैं अभी इसको गर्म कर रही हूँ क्योंकि ये लाइक मम्मा ने कल रात को ही बनाया था ना, अब इसको मैं फ्रेश कर रही हूँ थोड़ा सा और अभी हम पराठे के साथ इसको खाएंगे। पराठा स्क्वाड आज हम सीखेंगे इरम से पराठा कैसे बनाते हैं। इरम तुमने किसे सीखा? मुझे तो मामा ने सिखाया बनाना। तुम जो शोर कर रही ना, मामा ने तुम्हें इतनी चुपेड़े मार लिया। ये देखें जी, पहले ये देसी घी लगा दिया जैसे मुफ्त का है। इसमें से इतना ज्यादा लगाऊंगी जितना मुझे बजी कहती है कि कम लगाया करो, मैं उतना ही ज्यादा लगाऊंगी देसी घी। आप बताइए सही पराठा बनाती कि नहीं? मेरी शागिर्दा सही बनाती है। मैंने इसे कहा चौरस बना दो, मुझे तो चौरस खाने का तो कह रही मुझे वो नहीं आता। मैं बनाऊं? नहीं 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 नहीं, यही खाऊंगी मैं। आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप जाके बैठ जाए। मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी हूँ। वो क्यों नहीं बनाएगी? वो देसी आटा है ना। अच्छा, उस दिन शान से वहाँ बना रही थी ना, तो वो आपको पता फटी जा रही थी बार बार। मैंने कहा मैंने मुझे कह दिया ना मुझे, मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे से फट रही थी, मैं मुझे नहीं बन रही। चलो जी पराठा और कीमा, लेट्स ईट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी हो गई, अभी बस फजर की अजान हुई है तो मैं बस नमाज पढ़ने जा रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड उजाला बाजी फॉर वॉचिंग दिस। आई मिस यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। इंटिल देन बाय।